नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर में लगातार लव जिहाद घटनाएं घट रही हैं, जिसको लेकर समूचे हिंदू संगठनों में काफी रोष व्याप्त है। इन घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के लोगों ने कहा कि कल जो अमखेरा में लव जिहाद की घटना हुई है, उसमें लड़की के माँ बाप को लड़की से मिलने नहीं दिया गया और सोशल मीडिया में शादी का जो कार्ड वायरल हुआ है, उसमें लड़की के पिता का नाम आ रहा है, जो कि हिंदुओं को चुनौती देने की साजिश है। अपर कलेक्टर महोदय साहब को एक ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। महोदय, ब्राह्मण परिवार की लड़की को मुस्लिम संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। लव जिहाद के मामले में अभी कुछ दिनों पहले जो घटना घटी है, वीडियो वायरल होकर हुआ है, उसको लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर कार्रवाई। देखिए भाई साहब, ये जो घटना है, जो अमखेरा की घटना है और रेलवे कॉलोनी का वो लड़का है, और ये घटना हम लोग को पता नहीं चलती है। ऐसे कम से कम जबलपुर में 10 घटनाएं हो चुकी हैं, वो तो NIA की रिपोर्ट नहीं आती तो हम लोग को बिल्कुल नहीं पता चलता किस टाइप की घटना हुई है। ये घटना कैसे उजागर हुई है, घटना भी दब गया होता, क्योंकि एक हफ्ते पहले कोर्ट मैरिज हुआ। उस कोर्ट मैरिज में जो गवाह बने हुए हैं, हिंदू गवाह बने हुए हैं, उनसे जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, हमारे नाम लिख दिए गए और हमारे साइन कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि देखिए फर्जीवाड़ा कितनी तेज़ी से चल रहा है। मतलब इसमें सबकी मिलीभगत है, सबकी मिलीभगत है कि धर्मांतरण करा रहे हैं। लव जिहाद के केस में फंसाओ, इनको फंसाओ, धर्मांतरण कराओ और शादी का कार्ड छापो और हिंदुओं के मुंह में जूता मारो, तो ये नहीं होने देगा राष्ट्रीय हिंदू संगठन। उसके बाद जो कार्ड छपा उसमें बकायदा उसने उसका नाम चेंज किया और उसका जो ओरिजिनल नाम था हिंदू नाम वो भी लिखा, और उसके माता पिता का नाम जो हिंदू नाम है वो लिखा। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हिंदुओं तुम लोग अब बिल्कुल तुम्हारी लड़कियों को हम उठा के ले जा रहे हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पे जूता मार रहे हैं, कार्ड छाप रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। इसको लेकर आज आपको कहाँ है और क्या बात है? आज हम लोग कलेक्टर महोदय जी के समक्ष आए हैं, कलेक्टर महोदय जी को हम लोग ने ज्ञापन दिया है, शिकायत की है और उस लड़के की गिरफ्तारी की मांग की है, और जो उसमें फर्जी हस्ताक्षर किए हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हो, और जो तहसीलदार ने इसको फर्जी वाला किया है उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हो। ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन की मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन पूरे मध्य प्रदेश में अनेकों जिलों में आंदोलन करेगा। दिलीप सिंह, प्रदेश से प्रभारी। को सुरक्षा दी जाए, महिलाओं के साथ में जो अभद्रता हो रही है, लव जिहाद का शिकार हो रही है महिलाएं, महिलाओं का टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। अभी तक जबलपुर में ये सब घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन NIA की ये जो रिपोर्ट जो सामने आई है, उजागर सच सामने हुआ है, उसके बाद से ही ये सब क्यों हो रहा है? जबलपुर को तो लोग कहते थे कि जबलपुर में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, फिर ये मुस्लिम वर्ग विधर्मी स्पष्ट कहना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम वर्ग से ही ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो हम ये चाहते हैं, आप यदि रह रहे तो आप भी शांति से रहे और हमें भी शांति से रहने दें। आपके यहाँ की बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं लूटी जाती तो फिर हिंदुओं की क्यों? महिलाओं का शरीर तो सभी का एक सा है, मुस्लिम वर्ग की महिला भी वही है और हिंदू भी वही है, तो हम हिंदुओं के साथ शरीर से क्यों खिलवाड़ किया जाता है? इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करती हूँ कि आगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक हमारे इस ज्ञापन को पहुंचाया जाए, जिससे कि हम हिंदू वर्ग की महिलाओं को प्रोटेक्शन मिले, और यदि प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं तो हम लोगों को एक लाइसेंस दिया जाए जिसके आधार पे हम अपने साथ में अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रख सकें। मैं रविता विश्वकर्मा, झारखंड प्रदेश प्रभारी, जबलपुर से खबर समय स्वागत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।